दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हजारों लोग सड़क पर उतर गए हैं, साथ में पुलिस प्रशासन भी है। आप लोग देख रहे हैं 92 पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं, तमाम पुलिस फोर्स है। और आज विशाल कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। दक्ष मर्डर केस आपने सुना होगा, 2 नंबर में विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ने वाले छात्र दक्ष की हत्या कर दी गई थी। स्कूल के ही छात्रों और उसकी क्रिमिनल गैंग पर आरोप था। आज हजारों लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, दक्ष के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। आप लोग देख रहे हैं विशाल कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और दौलत राम खान धर्मशाला है, जहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं, हजारों लोग सड़क पर उतर गए हैं। आप लोग देख रहे हैं दक्ष को इंसाफ देने की मांग की जा रही है। विशाल कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और दौलत राम खान धर्मशाला पर लोग इकट्ठा हुए हैं, हजारों लोग हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कैमरा ऊपर उठाकर दिखा दें थोड़ा सा। यहां पर देखिए हजारों लोग आए हैं। क्या भैया? मैडम मेरे हिसाब से 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी 8 की हुई है, 8 या 9 अभी भी है। पुलिस की कोर्ट से बहुत दूर है, अभी बहुत ढीला रहा है प्रशासन, ढीला अपना रहा है। प्रशासन कहीं ना कहीं हमारे पे ही दबाव बना रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रही है प्रशासन अपने काम में इतना तत्पर क्यों नहीं है। हर चीज में मुस्तैद होता है, अगर ट्रैफिक में जांच करनी हो या किसी चीज में जांच करनी हो, ट्रैफिक में हमेशा प्रशासन मुस्तैद होता है, परंतु हमें इंसाफ देने में प्रशासन मुस्तैद बिल्कुल नहीं है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, बिल्कुल आज इसी न्याय की अपेक्षा के लिए आज ये मार्च निकाला जा रहा है। पूरे कॉलोनी के हर वर्ग हर धर्म का यहाँ लोग हैं और सभी इंसाफ चाहते हैं हमारे प्यारे दक्ष के लिए। तो सभी लोग आज आए हुए हैं और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारी आवाज प्रशासन की तरफ उठा रहे हैं। जाएंगे सर कहाँ तक? सर बीके चौक तक जाएंगे, हमारा प्लान बीके चौक तक है। ये जो कमेटी बना ली गई, लेकिन उसके बाद आज आप लोग यहाँ क्यों आए? क्या देखो, ऐसा है कि विरोध करना हमारा नैतिक अधिकार है, जिसे हमारे अधिकार को ये रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी, 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, मुझे अपडेट 9 की आई है अभी थोड़ी देर पहले ही, लेकिन 9 हुए हैं और बाकी क्यों नहीं? आप प्रेशर क्यों नहीं बना रहे? आप उनके घर वालों पे प्रेशर बनाओ, उनको उठाओ, कोई तरीका करो। मैडम हम कानून के लोग हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि प्रशासन असुविधा हमारी वजह से हो, परंतु आज मजबूरी की वजह से आज हम खड़े हुए हैं, अपने काम धंधे छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि इस मुहिम में, इस न्याय की मुहिम में, इस दक्ष की मुहिम में हमारा साथ दो। दक्ष के हत्यारों को तो देख रहे हैं, दक्ष के हत्यारों को फांसी दो की मांग। घुमा लो उधर। तो दक्ष के हत्यारों को फांसी देने की मांग की जा रही है। हजारों लोग सड़क पर उतर गए हैं, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आगे भी दिखा दो, पीछे भी दिखा दो, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं और सबके हाथों में कैंडल है, सबने कैंडल जला भी रखी है। बीके चौक की तरफ जा रहे हैं, आगे पुलिस है, प्रशासन है, हजारों लोग हैं जो बीके चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और सबकी यही मांग है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी जो फरार हत्यारोपी हैं उनको पकड़ा जाए। फिलहाल भैया थोड़ा जाने देना भैया। हाँ, तो देख रहे हैं हजारों लोग हैं, काफी क्राउड है, काफी भीड़ है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, आगे पुलिस प्रशासन, इधर फोर्स है, पुलिस वाले यहाँ पर इकट्ठे हैं कि यहाँ पर स्थिति ना बिगड़े, हर तरह मेंटेन रहे, लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए प्रशासन सख्त है, प्रशासन यहाँ पर इकट्ठा है। बाकी इधर हजारों लोग हैं, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ूंगा, ऊपर से आपको पूरा माहौल दिख जाएगा। यहाँ से दिखाओ कैमरामैन, यहाँ से आपको दिखेगा कि हजारों लोग हैं तो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट है न्याय के लिए। ये न्याय के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि दक्ष के जितने भी फरार आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको फांसी दी जाए। आपको बता दें दक्ष जो जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है, NIT 2 में विद्या निकेतन स्कूल है, वहाँ पर पढ़ता था। वहीं के एक छात्र और उसकी क्रिमिनल गैंग ने उसको ख़त्म कर दिया, बहुत बेरहमी के साथ लाठी से, डंडों से, ईंट से पूरी तरह मारा, घायल कर दिया और कई दिनों तक अस्पताल में वो भर्ती रहा, कोमा में रहा और उसकी इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई। उसकी मौत से
लोग नाराज हैं, लोग आक्रोशित हैं और लोग चाहते हैं इस तरह की वारदात दोबारा ना हो और जितने भी हत्यारे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको फांसी दी जाए ताकि दोबारा इस तरह की वारदात ना हो। आगे देखिए पूरा प्रशासन है, कई गाड़ियां पुलिस की मौजूद हैं, ACP हैं, तमाम SHO हैं, चौकी इंचार्ज हैं, कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, तमाम लोग आगे चल रहे हैं और पीछे प्रोटेस्टर हैं। देखिए बहुत ही संवेदनशील मैटर है, एक छात्र की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, लोग नाराज हैं, लोग आक्रोशित हैं और फांसी देने की मांग की जा रही है कि दक्ष के जितने भी हत्यारोपी हैं उनको फांसी दी जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सबकी यही मांग है, आप लोग देख रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा साइड में आ जाए क्योंकि ये लोग BK चौक तक जाएंगे और ये सभी न्याय की मांग कर रहे हैं कि न्याय हो, दक्ष को न्याय मिले और भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। तो उसके बैनर हैं, पोस्टर हैं, होर्डिंग है, तमाम लोग ये लेकर चल रहे हैं, अपने हाथों में कैंडल भी उठा रखा है, पीछे से भी दिखाएंगे, महिलाएं भी हैं, ये देखिए महिलाएं भी हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, हर तरह के लोग हैं, पीछे भी देखिए महिलाएं ही महिलाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं और सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं तमाम महिलाएं जवाहर कॉलोनी से 2 नंबर से और आसपास के एरिया से यहां पर एकत्रित हुई हैं और सभी लोग फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं हजारों लोग हैं, अपने हाथों में कैंडल उठा रखा है इन्होंने, इधर देखिए और पीछे भी देखिए हजारों लोग चल रहे हैं, जहां तक देखो आदमी ही आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बढ़िया भैया, इधर भी देखिए पीछे भी देखिए आदमी ही आदमी दिखाई पड़ रहे हैं और सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। SHO साहब की गाड़ी जा रही है। हाँ भैया, हाँ धन्यवाद। देख रहे हैं फांसी देने की मांग की जा रही है और कैंडल मार्च काफ़ी लंबा है, हजारों लोग हैं जो अपने हाथों में कैंडल लेकर चल रहे हैं और सबकी यही मांग है इस मामले में जल्दी से जल्दी, कड़ी से कड़ी और ठोस से ठोस कानूनी कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस तरह की वारदात फरीदाबाद में ना हो। तो एक विशाल प्रोटेस्ट है, विशाल कैंडल मार्च है, देखिए फोर्स पीछे चल रही। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो देख रहे हैं गाड़ी चल रही है SHO साहब के पीछे, फोर्स भी चल रही है, ट्रैफिक पुलिस के भी तमाम कर्मचारी दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी जा रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो है BK चौक तक जाएगा तो वहाँ भी आपको लाइव लेकर चलेंगे। तो जो भी इस मैटर में होगा हमने शुरू से आपको अपडेट किया है, आगे भी अपडेट करेंगे आपको, जो भी इस मैटर में होगा, जितने भी फरार आरोपी हैं जब भी गिरफ्तार किए जाएंगे और इनकी मांगे जब तक पूरी हो जाएंगी, जब तक दक्ष को इंसाफ नहीं मिल पाता, इनके परिजनों की जो भी मांगे होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।